इंदौर अब जल्द ही वृक्षारोपण का बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जहां इस अभियान की शुरुआत पितरेश्वर हनुमान धाम से हो चुकी है, वहीं अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में दादा दयालु यानी एमएलए रमेश मेंदोला का सादगी भरा अंदाज देखने मिला। जब मेंदोला पीछे बैठे हुए थे तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें मंच पर बुलाया और संत बताते हुए पर्दे के पीछे काम करने वाला नेता बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर दिखा दादा दयालु का सादगी भरा अंदाज। पीछे बैठे दादा दयालु को मंत्री विजयवर्गीय ने मंच पर बुलाया। विजयवर्गीय बोले, यह संत हैं, पीछे बैठते हैं, ज्यादा वोटों से जीतते हैं। वृक्षारोपण अभियान से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नजर जैसे ही दादा दयालु पर पड़ी, वैसे ही विजयवर्गीय ने दादा दयालु को मंच पर आने के लिए कहा। जहां विजयवर्गीय ने कहा कि यह संत ही हैं जो सबके पीछे बैठते हैं और सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। ठीक है, रमेश मेंदोला जी हमारे दूसरी व्यवस्था में थे, वो यहाँ पर आ गए, जरा मंच पे जरा तालियां बजाकर रमेश मेंदोला जी का भी स्वागत करें। वो भी एक तरीके से संत ही हैं। जरा तालियां बजाकर रमेश मेंदोला जी का भी स्वागत करें। वो भी एक तरीके से संत ही हैं। हाँ, कहाँ है रमेश जी? रमेश जी जल्दी आइए। हाँ, हमेशा बिहाइंड कर्टन काम करते हैं, सबके पीछे बैठते हैं बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं और सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे रमेश जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने मैनेजमेंट के लिए सियासत में खास पहचान रखने वाले दादा दयालु यानी एमएलए रमेश मेंदोला भी वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ अब दादा दयालु इंदौर वासियों के साथ वृक्षारोपण का महारिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।